Today we are going to discuss about what we have studied in last two classes. So because accelerated ripening of cheese is very much important, particularly with respect to cheese, so we are actually keep the session for discussion. I am asking one question from each of the student. Number one, Piyush Ranjan, have you heard my song, voice? Piyush, Ravish Anand. Yes, sir. Ravish. Yes, sir. हाँ, तुम बताओ कि what is the importance of accelerated ripening of cheese? Sir, wait a minute, sir. हाँ. What are the advantages and what are the purpose of accelerated ripening of cheese? You can say. Two class we have already discussed what is accelerated ripening of cheese, what are the advantages and what are the limitations and what are the different. Sir, 2 minutes. Sir, sir, कुछ कर रहे हैं सर, 2 minutes में सर जवाब देते हैं सर. 2 मिनट में तुम इमीडिएट जवाब दो ना. वंदना, वंदना, हैव यू अटेंडेड क्लास ना? बिकॉज़ हियर योर प्रेजेंस इज ऑब्जर्व. क्या क्या कर रही हो? सुन रहे हैं सर. हाँ, तो बताओ तुम, व्हाई एक्सेलरेटेड रैपिंग ऑफ चीज इज डन इन केस ऑफ हार्ड वैरायटी ऑफ चीज, व्हाट इज द पर्पस? सर, कल क्लास ज्वाइन नहीं किए थे, बहुत लेट किए थे लास्ट में. तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ दो क्लास में, उसमें भी पहला क्लास का भी कुछ पोर्शन को फिर से रिपीट किया था. ऐसा ऐसे लिंक से सर कनेक्ट ही नहीं होता था, बहुत बार से नहीं हो रहा. तो अच्छा, तुम बताओ क्यों करते हैं एक्सेलरेटेड रैपिंग ऑफ चीज, जो सुनी तुम कुछ तो बताओ इसमें. सोचे, मतलब सोचते हैं. हाँ बताओ रवीश. रवीश, यस सर. हाँ बताओ. सो मैन्युफैक्चर के रेट को जल्दी करने के लिए सर, सबसे पहले. हाँ. और सर फिर मतलब जल्दी कोई माइक्रोवेव पे मतलब कंटामिनेशन ज्यादा ना हो, इसलिए करते हैं सर. अरे यार, मैं इतना क्लियर करके पढ़ाया तुमसे, तो कम से कम एक्सपेक्ट था कि तुम सही सही जवाब दो. और कौन बताएगा? पीयूष, पीयूष, यू हैव लिसन माय वॉइस. पॉजिटिव कम लगता है सेकंड मनी. यस सर, एक्सपेंडिचर सर कम करने के काम करते हैं, अगर जल्दी रैपिंग हो जाए तो. अच्छा, और सर, राइटनिंग पीरियड को बढ़ा देता है और फिर कोस्ट प्रोडक्शन को बढ़ा देता है. बताओ, तुम ऐसे करके बताओगी तो क्या हुआ? प्रोलॉन्ग राइटनिंग पीरियड एंड इंक्रीज द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अरे यही तो है, बिकॉज इन केस ऑफ, सुनो फिर से इसको, इन केस ऑफ while we are go for accelerated ripening of cheese, because when we keep some prepare some variety of cheese, there needs at least 6 months to 9 months to get proper flavor in the cheese. So we can go for accelerated ripening of cheese because prolonged ripening period blockes the refrigeration cost. Hai na, money jo invest kiya wo in, kya hota hai, lock ho jata hai. और उससे जल्दी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो चीज का है ड्यू टू रेफ्रिजरेशन फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर फॉर राइपनिंग. जैसे जनरली जानते हो दो तरह का करते हैं, मान लो क्या कहता है, स्वीट चीज में भी हम दो तरह का करते हैं, हॉट क्यूरिंग और कोल्ड क्यूरिंग. इवन यू कैन गो फॉर क्या कहता है, इसमें भी चेडार में भी हम हॉट क्यूरिंग और कोल्ड क्यूरिंग दोनों करते हैं. तो हमारा कहना है कि टू
देख लो समझो इसको, क्योंकि प्रोलॉन्ग राइटनिंग पीरियड एक्चुअली ग्रेट लॉस टू द डेयरी इंडस्ट्री और चीज इंडस्ट्री, बिकॉज दे नीड्स रेफ्रिजरेशन फॉर देयर प्रॉपर क्यूरिंग और मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर. नंबर टू, जो हम एक्सटेंड अगर राइपनिंग पीरियड बढ़ता है तो क्या होता है, कॉस्ट भी हमारा बढ़ रहा है. दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, टू मीट द थ्रूआउट डिमांड ऑफ द चीज इन द मार्केट. तो कैसे होगा, कैसे, जब जल्दी हम बनाएंगे, जल्दी बना के तैयार करेंगे, तभी हम मार्केट में लगातार थ्रूआउट हम उसको सप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, आप बताओ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड बाय विच वी आर एक्चुअली क्या कहता है, वी आर एक्चुअली एम्प्लॉयड द मेथड फॉर एसिलेटेड रैपनिंग ऑफ चीज. यू गिव 3-4 एग्जांपल्स, 3-4 मेथड्स बाय विच वी कैन एक्चुअली एसिलेट द रैपनिंग ऑफ द चीज. बताओ इसमें से कौन बताएगा, ऋषि बताओ. ऋषि, ऋषि हैव यू हियर माय वॉइस? हाँ ऋषि, ऋषि आवाज नहीं जा रही है. अच्छा है, एक तो तुम लोग वीडियो ऑन रखो जी. अच्छा सर बता रहे हैं. हाँ बताओ सर. यूज ऑफ हाई प्रेशर ट्रीटमेंट है? हाई प्रेशर ट्रीटमेंट देते हैं उसमें. कौन राजा बोल रहे हो? यस सर. कुछ नहीं, तुम तो और ऐसे ही कुछ भी बोल दे रहे हो. अच्छा बताओ. नो सर. अच्छा पीयूष, पीयूष आनंद, पीयूष रंजन, हाँ रवीश, क्या बात है? यस सर. हाँ बता नहीं पा रहा हूँ कि सिर्फ इतना सारा चीज बताया, कितना डिफरेंट मेथड है. बहुत अच्छे सर, स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं सर. हाँ बोलो क्या क्या. स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं सर उसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले. गलत बता रहे हो. और बताओ दूसरा बताओ सर. टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे सर कोल्ड स्टोरेज में, मतलब उसको प्रोवाइड करवाएंगे उसका सुटेबल सराउंडिंग. चलो कुछ कुछ ठीक है. और दूसरा बताओ. अरे हमने क्या बताया. हाँ उसकी फायर से इस्तेमाल करते हैं सर उसको, मतलब एक्सेलरेशन के बढ़ाने के लिए. क्या करते हैं? इमल्सिफायर सर. अरे यार इमल्सिफायर प्रोसेस चीज में यूज करते हैं. यहाँ पे आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं एक्चुअली एनहांस द रैपनिंग पीरियड, मतलब इंप्रूव द एसिलेट द रैपनिंग पीरियड, एसिलेट द रैपनिंग प्रोसेस ऑफ चीज. हाँ जी अक्षय बताओ. मतलब इसका मतलब है कि मैं इतना अच्छा से तुम लोग को सर पॉइंट वाइज बता दिया, कुछ रिपीट भी किया कुछ सर. हाँ एंजाइम्स जैसे प्रोटीएज, लिपेज सबका यूज करते हैं मेथड में. उसके बाद सर क्या सर. हाँ बोलो. और सर वही रैपनिंग टेम्परेचर को क्या करते हैं सर, बढ़ा देते हैं. चलो ठीक है. हाँ और सर ऑप्टिमम रखते हैं सर. स्टार्टर्स जो होता है ना, जो भी स्टार्टर कल्चर लेते हैं वो मॉडिफाइड स्टार्टर कल्चर लेंगे, तो जैसे कि मतलब कि प्राइमरी के साथ सेकेंडरी और एडजेंट कल्चर भी ले सकते हैं सर. ले सकते हैं कि लिया आता है सर, मॉडिफाइड स्टार्टर लिया आता है. अच्छा मॉडिफाइड स्टार्टर, एडजेंट कल्चर.
एडजेंट कल्चर मिलते हैं सर वो मतलब कि वो सेकेंडरी की तरह कर सकते हैं कि फ्लेवरिंग फ्लेवरिंग तो सर मतलब कि सर प्राइमरी तो फ्लेवरिंग दे देता है उसके बाद सर गिव टू थ्री नेम्स ऑफ एडजेंट कल्चर व्हिच इज यूज्ड फॉर एसिलेटेड रैपनिंग ऑफ चीज अलोंग विद स्टार्टर कल्चर गिव टू थ्री नेम्स ऑफ स्टार्टर एडजेंट बताओ लैक्टोबैसिलस लेहबी से ऐसे ही कुछ नाम था लैक्टोबैसिलस लेहबी से लैक्टोबैसिलस लेहबी लैक्टोबैसिलस के जाए लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस लेहबी था हेल्वेटिकस के जाए ये सब ना है और एंजाइम का नाम बताओ जो व्हाट आर द कमर्शियली अवेलेबल एंजाइम व्हिच इज यूज्ड फॉर एसिलेटेड रैपनिंग ऑफ चीज तीन चार मतलब कमर्शियली अवेलेबल एंजाइम जो मार्केट में उपलब्ध है उसका नाम बताओ बीटा ग्लाइकोसिडेज हाँ ठीक है लेकिन एक्चुअली मार्केट में बीटा ग्लाइकोसिडेज के नाम से नहीं मिलता है चलो और ऐसे उसका कंपोजिशन सर रहता है लेकिन बोलो वो लैक्टेज रहता है जी लैक्टेज एंजाइम रहता है उसमें ये सर लैक्टेज और प्रोटीएज का भी सर कोई एंजाइम रहता है उसके बाद लिपी लाइपोलेज रहता है लाइपोलेज लाइपोलेज ऐसे और बताओ लाइपोलेज हो गया सर हां सर मैं पूछ रहा था ठीक है तुमने बीटा गैलेक्टोसिडेज बताया दैट इज द एंजाइम है ना दैट इज आल्सो लाइपोलेज सर एक तो नहीं वो ठीक है तो उसका जो कमर्शियल नेम हम पूछ रहे हैं कमर्शियली जो अवेलेबल है मार्केट में बताया था ना कल कि मैक्सिलेक्ट होता है मैक्सिलेक्ट मैक्सिलेक्ट है जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज को अपने में समाहित रखता है तो वी कैन यूज दैट वन उसके बाद बताओ ऋषि ऋषि कुछ नहीं बता रहा है क्लास मॉनिटर एक तो तुम लोग वीडियो ऑन रखो ना कि कम से कम चेहरा तो देखे हैं इतना दिन से चेहरा नहीं देखे हैं वीडियो ऑन रखो रवि सब जो भी हो प्रेजेंट वीडियो ऑन रखो क्या दिक्कत है हमसे शर्मा रहे हो हाँ बताओ कमर्शियली अवेलेबल इंजाइम कहाँ गया राजा क्विट कर गया राजा राजा हमारी आवाज जा रही है यस सर हाँ बताओ कुछ उसमें जोड़ो yeah. अच्छे तो बहुत कुछ बताया तुम बताओ yeah. इसमें सर हाँ क्या अदर व्हाट आर द अदर मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर एसिलेटेड रैपनिंग ऑफ चीज जैसे उसने बताया ना कि एडिशन ऑफ एंजाइम्स करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ क्या कहता है एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर रैपनिंग ऑफ चीज दो चीज बताया उसने तीसरा बताओ तुम एक्सोजीनस से एंजाइम भी कहें सर हाई प्रेशर ट्रीटमेंट इसमें देंगे सर हेलो हाँ हाई प्रेशर ट्रीटमेंट देते हैं सर अरे हाई प्रेशर ट्रीटमेंट थोड़े देते हैं तुम तो कुछ पढ़ नहीं रहे हो जीरो पढ़े हो इसमें लगता है ना क्लास अटेंड की हो कुछ ठीक से ना कुछ तो हम क्या कर एडिशन सकते एडिशन ऑफ एक्सोजीनस एंजाइम उसने बहुत ही चीज बताया क्या कहता है अच्छे ने बताया भी और ये स्टार्टर एजेंट यूज कर सकते हैं उसका भी बात करो सुनते है ना यूज ऑफ स्टार्टर एजेंट यूज ऑफ एक्सोजेनियस एंजाइम्स यूज ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है ना और बताओ लाइसोजाइम ट्रीटेड सेल हाँ तो उसमें क्या होता है म्यूटेंट क्या सर लाइसोजाइम ट्रीटेड सेल में क्या होता है वो क्या ये होता है सर जैसे कि लाइसोजाइम सेंसिटाइज सेल होता है ये जो कि चीज एट लेवल ऑफ इक्विवेलेंट 10 डिग्री 10 टू पावर 10 सेल पर ग्राम का होता है चलो कल लिखे थे इसको कुछ क्या सर हमने बताया था ना कि इससे क्या करते हैं लाइसोजाइम सेंसिटाइज करने के लिए लाइसोजाइम क्या होता है पता ही है लाइसोजाइम कहां पाया जाता है दूध में ही पाया जाता है ना यस सर पढ़े हो जो बहुत एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स पढ़े हो ना दूध में जो पढ़े हो तुम लैक्टोपेरोक्सिडेज लाइसोजाइम लैक्टोपेरोक्सिडेज ये सब पढ़े हो ना
वही लाइसोजाइम है। तो लाइसोजाइम ट्रीटेड सेल क्या करता है, जो सेल के कल्चर को सेंसिटाइज करता है, जिससे कि उसमें जो है सेल फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाता है, और उसमें जब इसका बढ़ता है रेट तो स्वाभाविक है कि ये क्या करेगा, उसमें रिलीज करता है इंट्रासेलुलर पेप्टिडाइजेस डाइपेप्टाइडेस एंजाइम्स, और वो क्या करता है एमिनो एसिड रिलीज करता है, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करता है वो लिविंग कंपाउंड। ठीक है yes, और बताओ और क्या छोड़ रहा है बताते जाओ सर। पेप्सिन म्यूटेंट स्टार्टर कल्चर। हाँ ठीक है, म्यूटेंट स्टार्टर कल्चर में क्या होता है ये जैसे ना सर, रेट ऑफ एसिड डेवलपमेंट जो है सर क्रिटिकल फैक्टर चीज मैन्युफैक्चर में होता है। अरे तुम जो कहीं लिखे हुए हो ना उसको ऐसे करके बोल्ड पढ़ रहे हो, तो वीडियो वीडियो तो ऑन करो, क्या दिक्कत है जी वीडियो, तुम टीचर का बातें नहीं मान रहे हो, वीडियो ऑन करो ना सर। अंधेरा में अंधेरा है क्या होता है, तुम चेहरा खोलो ना अपना, हम जैसे खोले हुए हैं। हाँ बताओ मॉडिफाइड स्टार्टर कल्चर में क्या करते हैं, मैंने कल बताया था कि मॉडिफाइड स्टार्टर कल्चर में हमारा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो उसका एसिड डेवलपमेंट का जो कैपेसिटी है, जो एसिडिफिकेशन शेड्यूल है, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए है ना, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए है ना, वो जो मॉडिफाइड कल्चर है वो हेल्प करता है किसमें, प्रोटियोलिसिस में और अदर चेंजेस ड्यूरिंग लाइफ में, है ना, याद है कल मैंने भी बताया था अभी परसों भी कि विदाउट हमारा क्या होता है, एक तो हमारा जो कल्चर स्टार्टर कल्चर दे आर कंटिन्यूसली है ना, हमने बताया था ना कि स्टार्टर कल्चर का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी क्या है, दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ है ना स्टीडी रेट ऑफ एसी डेवलपमेंट, मतलब कंटिन्यूस रेट ऑफ एसी डेवलपमेंट उसमें होने की क्षमता होनी चाहिए। तो हमारा जो कल्चर चीज बनाने में यूज होता है, अगर हम व्हेन वी आर कीप द चीज इन द रैपिंग रूम द कल्चर विच आर रिमेन विद द कर्ड चीज कर्ड दे प्ले ए पिवोटल रोल फॉर प्रोवाइडिंग द एसिडिटी टू सच ए लेवल दैट दे द प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया प्रोटियोलाइटिक टाइप बैक्टीरिया और प्रोटियोफिटिक बैक्टीरिया मे नॉट ग्रो पैथोजेंस मे नॉट ग्रो। तो वो विदाउट उसको डिस्टर्ब किए हुए बिना उसके एसिडिफिकेशन शेड्यूल को बिना डिस्टर्ब किए हुए है ना वो कंट्रीब्यूट करेगा सेल ओनली टू प्रोटियोलिसिस एंड अदर चेंजेस व्हिच आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्लेवर और टेक्सचर टू द चीज, समझ गए। उसी में बताया था कि फ्रीज हीट शॉक कल्चर होता है और एक होता है हीट शॉक, एक होता है थर्मलिस हीट शॉक के बाद एक और बताया था क्या क्या कहता है फ्रिज शॉक कल्चर और हीट शॉक कल्चर दोनों होता है ना। तो हमने कल बताया था कि एडिशन ऑफ अगर हम हीट शॉक कल्चर जो कि एस थर्मोफिलस और एल बुल्गेरिकस है उसका अगर हम यूज करते हैं, तो हमने बताया था कि उसका अगर यूज करते हैं स्टार्टर कल्चर के साथ तो 40 दिन में ही हमारा फ्लेवर फेटा चीज का आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो 90 दिन है। सो अगर हम और कंडीशन जो भी चीज है उसका उसको करते हैं इसको छोड़ करके तो वी कैन गेटिंग द फ्लेवर ऑफ फेटा चीज इन द 90 डेज। उसी तरह से मैंने बताया था कि अगर हम एल फ्रिज शॉक एक हीट शॉक बताए थे और फ्रिज शॉक कल्चर में कौन बताए थे जो एल हेल्वेटिकस है माने लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस वो क्या करता है फ्लेवर डेवलपमेंट है सो गोडा चीज में बफेलो गोडा चीज में उसको बढ़ा देता है ना। और क्या है हाँ बताओ रवीश, हम देख रहे हैं कि कुछ लड़के जो भी ज्वाइन किए थे वो कुछ छोड़ दिए हैं, हमको अटेंडेंस उसी का लिखेंगे जो यहाँ प्रेजेंट है, बाकी तो मैंने पिछले बार में जितना संभव हुआ हम सबका प्रॉब्लम हो रहा है सर, सब दिक्कत हाँ। हो रहा होगा। देखो यार अगर देखो हमसे है ना, हमको या तो तुम लोग क्लियर बता दो कि मान लो कि हम चार क्लास है सप्ताह में, अगर तुम दो दिन आते हो तीन दिन आते हो तो तीन दिन हम चाहते हो तो तीन दिन ही क्लास लें, दो दिन चाहते हो दो दिन क्लास लेंगे डिस्कशन क्लास,
दिस इज मतलब क्या कहता है कन्वे बाय ऑनरेबल बाय चांसलर दैट इफ कोर्स इज कंप्लीट देन यू कैन टेक डिस्कशन क्लास. डिस्कशन क्लास हम शुरू से ही कह रहे हैं कि क्लास के साथ डिस्कशन क्लास कीजिए. तो क्योंकि कोर्सेस ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया तो हम डिस्कशन क्लास के माध्यम से तुम्हारा कंफ्यूजन और ये जो डिस्कशन होगा वो तुमको हमेशा याद रहेगा. लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लड़का ज्वाइन किए थे 5 लड़के हैं अभी और बाकी 7 लड़के हो गए थे. 2 लड़का अभी है नहीं, राजा नहीं है इसमें. राजा क्विट कर दिया है, ठीक है. वो और कौन नहीं है? ऋषि क्या कर रहा है जी? ऋषि का तो नाम है यहाँ पे लेकिन वो तो बोल तो नहीं रहा है. ऋषि तो क्या लगा करके क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है. तो हम लोग का भी एनर्जी है, सो बर्बाद मत करो. हाँ और बताओ क्या 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 बच गया? और बताओ मेथड ऑफ एसिस्टेड राइटिंग व्हिच इज देयर आर सो मेनी पॉइंट्स स्टिल मिसिंग, उसको पूरा करो. वंदना आवाज जा रही है? वंदना सुनते हैं सर. हाँ बताओ, तुम बताओ. वंदना बताओ. हाँ क्या क्या बच गया? वंदना बताओ क्या क्या बच गया? अब लगता है बच गया था एडिशन ऑफ नॉन स्टार्टर लगती किसी वही वाला. वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है रेट को. कौन केजीडी क्या बता रही हो? एडिशन ऑफ नॉन स्टार्टर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. हाँ और बताओ क्या सुनी बाद में? तू क्लास अटेंड की तो उसमें क्या क्या पढ़ी, क्या क्या बताया? सर कल बहुत लास्ट में किए थे, कुछ सुनाई नहीं दिया था. ये तो तुम पूछ ही नहीं कुछ. हम तो लास्ट में कहते हैं कि कुछ अगर क्वेरी है तो तुम पूछ लो. अच्छा ठीक है, आज पूछ लो. हाँ सर बाद में पूछेंगे, आज कैसे पूछेंगे? ठीक है तो एक चीज और है मैं बता देता हूँ. कौन बताया गया? रवीश तुम बताओगे या अक्षय? प्रोलीन भी होता है सर जो बहुत सारे चीज में आई बनाने में काम आता है. अरे वो तो हम ही थोड़े पूछ रहे हैं, प्रोलीन किस चीज में होता है, उससे क्या है. अब देखो ये जितेंद्र कुमार जो है अभी ज्वाइन कर रहा है, इसको क्या बुझाएगा? तो चीज में तो तुम लोग अब हम क्या करेंगे, जिस तरह का जो लड़का ध्यान दिया है वो समझेगा, बाकी हम क्या करेंगे. अब हम तो अपना चैप्टर सब बता रहे हैं और ये वाला स्लाइड भी हम तुमको भेज देंगे, रैपिंग वाला ब्रीफ में लिखा हुआ है उसको. मैं तो अपने से बताता हूँ मोस्टली. हाँ बताओ क्या बताए थे और कौन बताएगा? अक्षय बताओगे? क्या सर? हाँ और क्या क्या मेथड बच गया? शिवम आवाज आ रही है? मिस्टर शिवम ये लोग तो ऐसे ही अटेंड करता है जी, ये कुछ बता बोल भी नहीं रहा है. जितेंद्र आवाज आ रही है? तो भाग गया कि पूछेंगे कुछ. चलो कौन बताएगा कि हमें हम कुछ बता दे आप? हाँ बताओ. मैं बताओगे कैसे और क्या क्या बच गया ये बताओ. देखो हम लोग का सब डिस्कशन हो गया, एडजेंट कल्चर के बारे में हो गया, एडिशन ऑफ एक्सोजेनस एंजाइम के बारे में हो गया. उसके बाद मैंने और चीज बताया था अभी, यूटिलाइजेशन ऑफ चीज स्लरीज के बारे में बताया था, याद आया? यूटिलाइजेशन ऑफ चीज स्लरीज. तो चीज स्लरीज क्या होता है कि वो हम लोग अगर
जुडिशियली और टैक्टफुली यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, देयर मे बी चांसेस ऑफ, है ना, ऑफ लेवर डेवलपमेंट इन द चीज। तो चीज सैलरीज हमने बताया था कैसे पाएंगे, तो चिडार चीज को क्या करते हैं, चिडार चीज जो कार्ड आया उसको जो हायर मास्टर कंटेंट 30% मास्टर कंटेंट के साथ आया ना, तो दे आर एक्चुअली इंक्यूबेटेड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, दैट इज 30 डिग्री टेम्परेचर पे हम उसको एक वीक के लिए रखते हैं, तो उसमें डिजायरेबल फ्लेवर आ जाता है। तो वो चीज सैलरीज जो है ना, वेन वी आर यूजिंग चीज सैलरीज, they are actually improving the flavor of the cheese which are made by conventional method. और क्या बताया था कि अगर cheese slurries है, अगर हम use करते हैं साथ में, है ना, साथ में supplement करके कौन सा, glutathione 100 ppm और 3% NaCl और sodium citrate अगर use करते हैं तो हमारा cheese ripening जो है period घट जाता है और फुल फ्लेवर हमको प्राप्त होता है। लेकिन मैंने बताया था कि चीज स्लरीज में हमको ध्यान देना है कि इसमें अगर हम जुडिशियल और केयरफुली यूज नहीं किए तो ऑफ फ्लेवर चीज में डेवलप हो सकता है। दूसरा चीज क्या है कि हमने बताया था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्लेवरिंग कंपाउंड, है ना, हमने बताया था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्लेवरिंग कंपाउंड उससे क्या होता है, उसने बताया था कि हम क्या करते हैं कि चीज कर्ड के साथ हम लोग मिथाइल कीटोन्स और फैटी एसिड को उसमें मिला देते हैं, मिलाने के बाद कर्ड को 3 वीक तक रैपिंग करते हैं, मैंने छोड़ देते हैं, और या तो हम चाहें तो चीज फ्लेवर में हम लोग सिंथेटिक एल्काइनेमीन, जैसे मैंने बताया था प्रोपाइलेमीन, ब्यूटाइलेमीन, है ना, 2-methylpropylamine, pentylamine, 2-methylbutylamine, 3-butylamine, इसे बताया था कि अगर हम इसको 0.1 से लेके 80 मिलीग्राम पर केजी अगर यूज करते हैं तो इसमें भी हमारा फ्लेवर पूरा चीज में आ जाता है। इसके अलावा अर्जेंट कल्चर के बात हो गई, एक चीज और बताया था कि मैंने कि अगर हम स्किम मिल्क के साथ बटर मिल्क को अगर यूज करते हैं, 30% बटर मिल्क यूज करते हैं तो डच वैरायटी मतलब बॉर्डर टाइप चीज का जो है रैपनिंग पीरियड, है ना, घट जाता है। उसी तरह से मैंने बताया था कि अगर हम गोट मिल्क के साथ, है ना, गोट मिल्क के साथ अगर बफेलो मिल्क यूज करेंगे तो भी हमारा रैपनिंग पीरियड घट जाएगा। इसके बाद बताया था कि माइक्रो इंक्लेशन ऑफ माइक्रो कैप्सुलेटेड इंजाइम्स, माइक्रो कैप्सुलेटेड इंजाइम में हमने बताया था कि जब इंजाइम यूज करते हैं तो क्या होता है, इंजाइम क्या होता है कि जो ब्रेक होता है तो उसमें 5% से 10% ही कट में रिटेन होता है, बाकी 90-95% गोज विद द वे। तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेटेड इंजाइम्स जो है, जो कि लाइपोसोम्स क्या होता है, बताया था फास्फोलिपिड होता है, उसमें फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, उसी में इनकैप्सुलेट करके हम, है ना, इस इंजाइम को डालते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा अगर हम लाइपोसोम्स जो कि फ्लेवरेज और नेचुरेज के नाम से भी बाजार में बताया कमर्शियल इंजाइम है, फ्लेवरेज और नेचुरेज, उसको अगर हम 2.5 ग्राम पर 100 लीटर ऑफ मिल्क में यूज करते हैं बफेलो मिल्क चेडार चीज में, तो हमारा फ्लेवर डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही कंपेरेबल होता है काकाओ मिल्क के। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या कहता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेटेड इंजाइम्स, उसके द्वारा भी हम लोग चीज रैपनिंग का पीरियड घटा सकते हैं। इसके अलावा हमने बताया था एडिशन ऑफ लाइसोजाइम ट्रीटेड हो गया, लेकिन और साथ में बताया था कि बहुत देयर सो मेनी अदर्स मेथड्स बाय विच वी कैन आल्सो एनहांस द ये। अब क्योंकि इसमें टाइम लिमिटेशन अब खत्म हो रहा है और तुम लोग से मैं चाहूंगा कि तुम लोग जो है क्या कहता है मॉडिफाइड इंजाइम मॉडिफाइड चीज पे असाइनमेंट लिख करके रख लोगे, है ना, आवाज आ रही है मेरे बीच? यस सर। हाँ, इंजाइम मॉडिफाइड चीज को उसको है सो बढ़िया से इसका असाइनमेंट लिख करके उसको है सो लिख करके कॉपी में लिखे रहो, जब यहाँ आओगे तब दे देना, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो ऑनलाइन भेजना पड़े तो वो फिर मेन पे भेजना पड़ेगा। और फिर मैं दूसरा टेस्ट जो है लेने के लिए सोच रहा हूँ, वो कब ले लूँ तुम लोग से बता दो, सब कोई को खबर चला जाए, और पिछले बार जैसे टेस्ट दिए थे तो जिसने आगे पीछे दिया था तो नंबर जो है उसका उसी अनुसार मिलेगा, और अभी जो जो लड़का टाइम पे जमा कर देगा 5 से 10 मिनट का जो भी रहेगा
उसको अभी कैसे होगा सर, जब कॉलेज खुलेगा तभी ना सर। अभी कैसे होगा सर, कॉलेज खुलेगा तभी ना। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि ऑनलाइन टेस्ट जो लेकर के इंटरनल वाला मार्क्स में जोड़ दीजिए, तो अगर मान लो कि नहीं हुआ तो हम नहीं जोड़ेंगे, उसमें क्या है। अगर मान लो हम लोग तो चाहेंगे कि जेनुइन जो है वही हो, ठीक है ना। तो आज के क्लास में 8 लड़के आए हो, देखो विकास कुमार अब जुड़ रहा है, अब मैं एडमिट करके क्या करूंगा उसको, ठीक है। और ये क्लास खत्म हो रहा है, तो कल क्लास तुम लोग अटेंड करोगे कि फिर क्या कहता है, फिर हमारा मंडे को